हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी मेरे पास जो क्रोएशिया के लिए वैकेंसी है, न्यू वैकेंसी, क्रोएशिया में शिप फिटर के लिए काम है और क्रोएशिया के लिए वैकेंसी है। इसमें 2 महीने का प्रोसेस टाइम रहेगा दोस्तों, 2 से 3 महीने का प्रोसेस टाइम रहेगा। वर्क परमिट है उसमें, सारा चीज़ होके तो आप देख सकते हैं। और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसमें प्रोसेस टाइम जो है 3 महीने का हो जाएगा वर्क परमिट का। और इसमें रहना कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से, फूड भी कंपनी की तरफ से भी प्रोवाइड करेंगे। और इसमें सैलरी जो है 800 से 1400 यूरो तक आपको मिल जाएगी। तो 800 से 1400 यूरो आपको सैलरी मिल जाएगी और प्लस फूड मिल जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। और कंपनी टिकट भी दे देगी, अगर से आप उसमें भी कैटेगरी हैं जो है 15 बंदे चाहिए, 15 बंदों में से अच्छी उसमें भी कैटेगरी हैं। और इसमें 10th पास, थोड़ा बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए जो रिक्वायर है, जो कंपनी ने रिक्वायर किया है, बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए और 10th पास होना चाहिए मस्ट। और अगर से, और इसमें इंटरव्यू भी होगा जो है, वही इसीलिए मैं बोला बेसिक इंग्लिश इसमें चाहिए, इंटरव्यू भी होगा और 2 से 3 राउंड इंटरव्यू होगा। अगर से आप सेलेक्ट हो गए उसमें तो आपके सिलेक्शन 100%। उसके पहले हम कोई वो चार्ज नहीं करेंगे, पहले हम आपका प्रोफाइल और इसमें डॉक्यूमेंट जो लगने हैं, आपको पता है PCC अपोस्टल होनी चाहिए एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू PCC, और जो पासपोर्ट की, सॉरी, जो PCC है पासपोर्ट ऑफिस से इशू होनी चाहिए। कभी कभी बहुत से लोग बोलते हैं कि PCC हमको लोकल वाली चल जाएगी क्या, लोकल पुलिस स्टेशन की, तो दोस्तों लोकल पुलिस स्टेशन की नहीं चलेगी, तो पासपोर्ट की ऑफिस से ही इशू कराना पड़ेगा और वो अपोस्टल होनी चाहिए। और उसके साथ CV, अगर से CV आपके पास नहीं है तो हम बना देंगे जो कंपनी को रिक्वायर है, CV का हम अलग से चार्ज लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके साथ आपका पासपोर्ट स्कैन चाहिए, फ्रंट बैक स्कैन, और ये 3 डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद, अगर से आपने कहीं काम किया है ऐसा कुछ, जो काम किया है ऐसा फिटिंग का, कटिंग का, अगर से आपके पास डिप्लोमा भी है तो और अच्छा है इसके लिए, तो डिप्लोमा आपका बहुत हेल्प करेगा उसमें, और सैलरी ज़्यादा मिलने के चांस भी होते हैं। तो अगर से डिप्लोमा है आपके पास तो उसमें आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी, जैसे मैकेनिकल के डिप्लोमा हो गया ऐसा करके, और इंजीनियरिंग टाइप का है तो ऐसा करके आपके पास है डिप्लोमा तो आपको मदद मिल सकती है उसमें, और जॉब मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो मैंने ये सारी डिटेल बता दी, और प्रोसेस टाइम इसमें है वर्क परमिट 2 से 3 महीने का रहेगा, लेकिन ये है इसमें 100% जॉब है। अगर से आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए तो सीधा आपको वीज़ा ही मिलेगा, आपको सीधा सबमिट करना है और इसका आपको जो है अपॉइंटमेंट है, जो इसमें अपॉइंटमेंट है और जो भी फाइल प्रिपरेशन है हम ही करेंगे, आपका सारा चीज़ जो है कंपनी के ही थ्रू होगा, सारा चीज़ गाइडलाइन दी जाएंगी, और ये चार्जेबल सर्विस है दोस्तों। तो जो भी बंदा, और इसमें कम से कम चार्ज लगेगा, इसमें वही लगभग 3 लाख का खर्चा आ जाएगा, 3 लाख का इंडियन रुपीस खर्चा आ जाएगा, अगर से जो भी बंदा इंटरेस्टेड है, और 100% इसमें वीज़ा मिलने के चांसेस हैं, मिलेंगे। ओके दोस्तों, अगर से आप रेडी हैं तो बताना, हम आपका करवा देंगे, और आप भी यूरोप के मज़े। और उधर जाने के बाद आप किसी भी कंट्री में, 26 कंट्री जो भी हैं यूरोप की, आप वहाँ मूव कर सकते हो आसानी से। और मैं एक बार और बोल दूँ, और मैं एक लिंक डाल दूँगा वीडियो का, जिसमें से और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी आपको डॉक्यूमेंट और कौन सा काम है, और सब चीज़ आपको उसमें देख लेना। तो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल तो नहीं,
मैसेज कर लेना, क्योंकि मैं अभी काम में रहता हूँ भाइयों, तो मैं आपको सेम टाइम तो रिप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं फ्री हो जाऊँगा तो मैं उस टाइम में रिप्लाई कर सकता हूँ। उसके पहले तो अगर से मैं फ्री रहा तो मैं कर दूँगा, लेकिन अभी मेरा काम जो है थोड़ा हार्ड हो गया है, तो मैं काम के साथ साथ मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को पूरी सर्विस दे सकूँ। और बहुत से लोग तो इसी में परेशान होंगे कि बंदा नंबर डाल देता है लेकिन रिप्लाई नहीं करता, तो इसके लिए सॉरी भाइयों, मेरा भी काम होता है यार, तो इसीलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि सब लोगों को रिप्लाई कर पाऊँ, इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ यार। और आपने देखा होगा यूट्यूब में भी कमेंट आते हैं काफ़ी, मैं उसमें भी रिप्लाई नहीं कर पाता, तो उसके लिए सॉरी भाई। मैं अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि मैं सब लोगों को खुश कर पाऊँ, लेकिन आपको तो पता है सबको खुश करना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जॉब के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।